हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। आज हम डेमो करने वाले हैं डिजिटल सर्वाइकल लंबर ट्रैक्शन मशीन का। हमने ट्रैक्शन मशीन की वीडियो पहले भी बनाई हुई है, लेकिन इसका यूज़ करने का तरीका थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि इसको कैसे यूज़ करना है आपको। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए डेमो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ क्या क्या मिल जाता है ये तो आपको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। इसके साथ आपको एक ट्रैक्शन की बेल्ट मिल जाती है, 2 पीस का सेट, सर्वाइकल कॉलर मिल जाता है आपको, और एक रॉड मिल जाती है सर्वाइकल कॉलर को यूज करने के लिए, एक मैन कोड और एक पेशेंट स्विच जो आप पेशेंट के हाथ में देंगे, पेशेंट अपने अकॉर्डिंग रोकेगा। चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 बटन मिल जाते हैं आपको, 3 बटन मिल जाते हैं आपको, होल्ड टाइम मिल जाता है, रेस्ट टाइम मिल जाता है और मोड मिल जाता है। यहाँ आपको 3 बटन मिलता है, स्टार्ट का बटन आपको इस मशीन में नहीं मिलता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मशीन को हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे आपको टाइमर 0-0 दिख रहा है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट होल्ड टाइम सेट हो क्या है 20 सेकेंड और रेस्ट टाइम 5 सेकेंड। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितना भी आपको करना है। तो हम 5 सेकेंड पे रखेंगे और इसको हम 10 सेकेंड पे कर देंगे, क्योंकि 20 सेकेंड होल्ड कर रहा है ये। तो ये हो गया, यहाँ पे आप आ गए, यहाँ पे आपको स्टैटिक दिखा रहा है और इंटरमिटेंट दिखा रहा है। तो स्टैटिक पे आप करेंगे तो ये खींच कर ही रखेगा स्टैटिक पे। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक और इंटरमिटेंट मिलता है, स्टैटिक पे आपका खींच के रखेगा, इस पे रिलीज करेगा और होल्ड करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पेशेंट स्विच लगा लेंगे सबसे पहले। तो मैंने पेशेंट स्विच लगा लिया, अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ऑफ कर देगा। ठीक है, चलिए थोड़ी सी रस्सी को रिलीज कर लेंगे, लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स, कभी भी ये जैसे आपको फ्री दिख रही है रस्सी यहाँ पे, तो मशीन स्टार्ट करने से पहले जब रस्सी हमें जितने भी पेशेंट को लगानी है, जितनी भी यूज़ करनी है, उतने पर लगा दिया, फिर इसको हमें घुमाना है कि इसकी मोटर की गरारी उससे कनेक्ट हो जाए, तो अब ये खींचेगी नहीं जब वो फंस जाएगी। तो मैं इतनी सी खींच लेता हूँ चेक करने के लिए, थोड़ी और निकाल लेता हूँ। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 5 से स्टार्ट होता है और 45 तक जाता है, 45 किलो तक। तो मैं टाइमर बढ़ाऊंगा, टाइमर बढ़ाते के साथ ही हम टाइमर स्टार्ट करेंगे, टाइमर स्टार्ट होते के साथ ही मशीन ऑन हो जाएगी, ये खींचने लगेगी। तो आपको इसी हिसाब से अपना पहले ही सेट कर लेना है, 10 सेकंड पे कर देंगे, ये 5 सेकंड पे कर देंगे, इंटरमिटेंट पे रखेंगे। अब हम टाइमर बढ़ा देंगे 10 मिनट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पहले खींच रही है ऊपर की तरफ, जो लाइट जा रही है तो ये मतलब खींच रही है। आपको रस्सी भी दिख रही होगी थोड़ी खींचती हुई, अभी रिलीज कर रही है, नीचे जा रही है, अभी होल्ड कर रही है 10 सेकंड ये होल्ड करेगी फिर खींचेगी। तो 5 केजी पे है, अब इसको बढ़ा सकते हैं, तो इसको हम 12 केजी कर देते हैं। ये रिलीज हो रहा है, ये होल्ड हो गया, 10 सेकंड होल्ड करके फिर खींचने लगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से जैसे ये खींच रहा है, होल्ड कर रहा है, उसको आप स्टैटिक पे कर देंगे तो सिर्फ ये खींच के रखेगा, अब सिर्फ ये खींचेगा। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत हो रही है और रोकना चाहता है तो इस बटन को दबाना
मशीन स्टॉप हो जाएगी, फिर वो दबाएंगे फिर चालू हो जाएगी। तो ये था इस मशीन का छोटा सा डेमो। तो ये था डेमो, डेमो कंप्लीट होता है। थैंक यू।